नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबरों का मेगा बुलेटिन अखंड भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। नया तेवर, नई धार और नई रफ्तार में हम आपको हर दिन इस वक्त खालिस खबरों से खबरदार करते हैं। खबरों के एक घंटे के सफर में दिन भर की हर वो बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाएंगे जिसका वास्ता सीधा आपसे होगा, जिसकी हलचल हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचेगी, जो सत्ता के गलियारे से लेकर जनता जनार्दन की दहलीज तक अपना असर भी छोड़ेगी। लेकिन सबसे पहले अखंड भारत की शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ, और ये वो बड़ी खबरें हैं जिन पर है पूरे देश की नजर। सबसे पहले अखंड भारत की पहली खबर, निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच उत्तर प्रदेश में रामपुरी के वार पर सियासत गर्मा चुकी है। अपने ही गढ़ में योगी के वार पर समाजवादी आजम तिलमिला चुके हैं। अखिलेश की चुप्पी ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। अखंड भारत की दूसरी खबर, अपने ही घर में कटप्पा कांड पर बौखलाए ओम प्रकाश राजभर, पार्टी उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर ने परिवारवाद और सियासी पलटवारी पर राजभर को घेर लिया, इस्तीफा देकर मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तीसरी खबर, पटना में प्रधानमंत्री के चेहरे की दावेदारी ठोक रहे सुशासन बाबू की दिल्ली पहुंचते ही बोलती बदल गई है। राहुल गांधी से मुलाकात में कहा, विपक्षी एकता के लिए दिल्ली आया नहीं हूं, प्रधानमंत्री उम्मीदवार पर भी कुछ स्पष्ट नहीं किया। चौथी खबर, महाराष्ट्र दौरे पर अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को घेर लिया है, बीजेपी से धोखे का आरोप यहां पर लगाया। खोखा पर शाह के चौके ने शिवसेना को चौंका दिया है। अखंड भारत की अगली बड़ी खबर भी आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं देश के सबसे बड़े सूबे यूपी की खबर के साथ, जहां निकाय चुनाव की उल्टी गिनती पर सियासत गर्मा चुकी है। और इसी कड़ी में सीएम योगी ने रामपुरी वार ने समाजवादी नेता आजम खान को अब बौखला दिया है। दिलचस्प तो इन सब के बीच में ये है कि आजम पर हुए सियासी वार पर समाजवादी बबुआ ने अब भी चुप्पी साध रखी है, अभी तक मुंह नहीं खोला। रामपुर का शोषण किया, लोक कल्याण को ध्यान में रख करके नहीं बल्कि व्यक्ति केंद्रित बनाते हुए शोषण का जरिया उन्हें बनाने का प्रयास किया गया। जिस रामपुर को समाजवादी नेता आजम खान अपना गढ़ बताते रहे, सीएम योगी ने वहीं आकर उन्हें रामपुरी की सियासी धार दिखा दी। मौका रामपुर में 72 करोड़ की लागत वाली 22 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कहा। सीएम योगी के व्यंग बाण पर जरे भुने आजम ने पलटवार में देर भी नहीं लगाई। मैंने कलम दिया है हाथ में, आपने चाकू दिया है हाथ में, बस यही फर्क है हमारी और आपकी सोच। 2 साल से ज्यादा वक्त जेल में गुजारने के बाद आजम को इसी साल जून में रिहाई मिली थी। उसी दौरान हो रहे रामपुर उपचुनाव में आजम ने टाइगर इज बैक का ऐलान करते हुए सियासी ललकार लगाई थी, लेकिन रामपुर उपचुनाव में आजम अपने उम्मीदवार को जिता नहीं पाए और तब से उन्होंने चुप्पी साध रखी थी। अब यूपी में निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो योगी ने रामपुरी की सियासी धार दिखाकर आजम को उन्हीं के गढ़ में सीधी चुनौती दे दी। इधर आजम की तिलमिलाहट समाजवादी बबुआ की चुप्पी बढ़ा रही है, जिन्होंने सीएम योगी के व्यंग बाण पर अभी तक मुंह नहीं खोला, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी अब निकाय चुनाव से पहले आजम और अखिलेश के बीच की खींचतान को फिर से उभारना चाहती है। और इधर बागी तेवर दिखाकर उत्तर प्रदेश में अपनी सियासत साधने वाले ओम प्रकाश राजभर को अब अपने ही घर में एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। राजभर के रिश्तेदार और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर ने कटप्पा वार कर उन्हें बौखला दिया है। अखिलेश से सियासी कट्टी कर सीएम योगी को साधने का दाव लगा रहे राजभर इस पर सदमे में है। उत्तर प्रदेश की सियासत में बाहुबली बनने की कोशिश में जुटे ओम प्रकाश राजभर पर घर में ही कटप्पा वार हो गया। ये तस्वीरें उसी की गवाही हैं। ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ बगावत का बिगुल उनके रिश्तेदार और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर ने फूका। महेंद्र राजभर ने ओम प्रकाश राजभर को जमकर खरी खोटी सुनाई और पार्टी की टोपी सर से उतार कर जमीन पर पटक दी। के लिए अति पिछड़ों को अधिकार दिलाने के लिए अब लड़ाई से ओम प्रकाश राजभर विचलित हो गए हैं, इस नाते पार्टी और पार्टी के पद से हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जिस सियासी दाव का इस्तेमाल कर यूपी की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करते रहे, महेंद्र राजभर ने वही दाव लगाकर ओम प्रकाश राजभर को चौंका दिया। जो लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर के आदर्श को आगे बढ़ाने की कसमें खाते थे, जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की वादे करते थे, कसमें खाते थे, वो सब बेनकाब होते जा रहे हैं। महेंद्र राजभर ओम प्रकाश राजभर की पलटमार राजनीति पर भड़के,
जो एक बार फिर से सीएम योगी को साथ कर 2024 के चुनाव से पहले अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। समाजवादी गठबंधन से छिटकने के बाद ओम प्रकाश राजभर जिस अंदाज में योगी सरकार की तारीफ के पुल बांध रहे हैं, वो बीजेपी में एंट्री के लिए उनकी बेचैनी को बयां कर रहा है, लेकिन बीजेपी सीधे मुंह उन्हें घास नहीं डाल रही। वैकेंसी और नो वैकेंसी का सवाल नहीं है। अभी जब यह सारे कोई भी नेता हैं, अगर पार्टी के नेतृत्व के सामने कोई बात रखेंगे तब उस पर विचार किया जाएगा। अभी तो कोई इन्होंने ये कहा नहीं है कि हम भाजपा में आना चाहते हैं। जब भाजपा में आने की बात करेंगे तब उस पर देखेंगे, पार्टी नेतृत्व देखेगा ये हाँ इनको साथ लेना है कि नहीं लेना है। महेंद्र राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर माफिया मुख्तार अंसारी के भगोड़े बेटे अब्बास अंसारी को छिपाने का भी आरोप लगाया, जो मऊ सदर से राजभर की पार्टी के टिकट पर विधायक बना है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एनडीए का हिस्सा थी, तब महेंद्र राजभर ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ मऊ से चुनाव लड़ा था। प्रधानमंत्री मोदी ने तब उन्हें कटप्पा कहकर तारीफ की थी। अब बाहुबली जरा सिनेमा में तो अच्छे लगते हैं, जरा थोड़े समय जरा लंबी दिखता है उनका, लेकिन कहते हैं कि बाहुबली फिल्म में एक कटप करके पात्र था, कटप वो बाहुबली का सब कुछ उसने तबाह कर दिया था। मुख्तार अंसारी से कांटे की टक्कर में महेंद्र राजभर सिर्फ 6000 वोटों से चुनाव हार गए थे। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ने प्रचंड जीत हासिल कर विपक्षी दावों की हवा निकाल दी थी। अब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में उनकी सरकार की अग्नि परीक्षा होने जा रही है, और जिसे यूपी में 2024 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। सीएम योगी अब निकाय चुनाव में विजय की सियासी बिसात बिछाने में जुट गए हैं। ये तस्वीरें इसी साल मार्च की हैं, जब सीएम योगी की अगुवाई में यूपी में बीजेपी ने नया इतिहास रच दिया था और सूबे में लगातार दूसरी सरकार बनाकर सियासी पंडितों को चौंका दिया था। अब सीएम योगी के सामने यूपी निकाय चुनाव की चुनौती है, जिसके इस साल नवंबर में होने की उम्मीद जताई जा रही है। 2024 में यूपी में बीजेपी की जीत की बुनियाद इसी चुनाव से रखी जानी है, क्योंकि निकाय चुनाव में जीत यूपी में बूथ लेवल पर बीजेपी के चुनावी मैनेजमेंट पर मुहर लगाई। इसीलिए सीएम योगी के साथ यूपी बीजेपी का संगठन भी निकाय चुनाव में जीत के बिसात अभी से बिछाने में जुट गया है। नगर पालिकाएं हैं और 4 नगर निगम, तो सारी इकाइयों को, नगर निकाय की सारी इकाइयों को जीतने का हमने प्लान बनाया है। इसी कड़ी में आज लखनऊ में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल हुए। तो वहीं संगठन की ओर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह शामिल हुए। बैठक में बीजेपी के सभी जिलाध्यक्षों को भी वर्चुअली जोड़ा गया। यूपी में पिछले निकाय चुनाव में नगर निगम में तो बीजेपी को एक तरफा जीत मिली थी, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायत में उसे तगड़ा झटका मिला था। इस बार नजर अभी से 2024 के बड़े दांव पर है, लिहाजा जीत पुख्ता करने के बिसात अभी से तैयार की जा रही है। भय लग रहा है आज की स्थिति में, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ भाजपा वहाँ सुशासन, जहाँ गैर भाजपा वहाँ कुशासन, ये चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे दूसरे राज्यों में कहीं कांग्रेस की सरकार हो। उत्तर प्रदेश में बीजेपी निकाय चुनाव में विपक्षी पार्टियों को पटकनी देने की रणनीति बनाने में जुटी हुई है। तो इधर मध्य प्रदेश जिला पंचायत चुनाव से जुड़ा एक सनसनीखेज वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो गुना की पूर्व विधायक ममता मीणा का बताया जा रहा है, जो पैसे लेकर चुनाव में वोट न देने वाले जिला सदस्यों से पैसों की वसूली अभियान पर निकली हुई है। नहीं, मेरे को अभी पैसा दो, मैं अभी बस 5 मिनट के अंदर आपके घर से जा रही हूं। ब्याज समेत पैसे लौटा दे, नहीं तो घर गिरवा दूंगी। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने एमपी की सियासत को गर्म कर दिया है। अब बताओ, अब कहाँ विश्वास रखा? मैं नहीं लड़ना चुनाव, मना तुम तमाम दुगना रुपया रख दो, हम बस चुनाव लड़ने नहीं जाते। ये वीडियो गुना चाचौड़ा की पूर्व विधायक ममता मीणा का बताया जा रहा है, और जिसे पैसों की वसूली के लिए धमकाया जा रहा है। वो चाचौड़ा के आमलिया गाँव का जिला पंचायत सदस्य है, हालांकि जी मीडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ऐसा बेईमानी, मतलब ऐसा तो फिर हो गई राजनीति, और जिन पर आपसे ज्यादा, अपने आप से ज्यादा विश्वास किया वो लोग धोखा देंगे। मध्य प्रदेश में पिछले महीने जिला पंचायत चुनाव थे। चाचौड़ा के जनपद पंचायत चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों के बीच तगड़ा घमासान था।
चाचौड़ा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लक्ष्मण सिंह ने ममता मीना को हरा दिया था। ऐसे में अपना सियासी कद बचाने के लिए ममता ने जनपद पंचायत चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को जिताने की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन महज एक वोट से बीजेपी उम्मीदवार जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव हार गया। हल्ला मचा हुआ था कि इस चुनाव में पैसों से वोटों की खरीद का खेल जमकर हुआ। सूत्रों के मुताबिक ममता मीना को जब ये पता चला कि जनपद पंचायत चुनाव में किसने बीजेपी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, तो आमलिया गांव पहुंच गई और उस व्यक्ति को धोखा देने के लिए खरी खोटी सुनाई और हाथों हाथ पैसे लौटाने को कहा। और अब बात एक और वायरल वीडियो की, जिसके कारण उत्तर भारत के सबसे बड़े लुलु मॉल में एक बार फिर से नमाज पढ़ने का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद से हिंदूवादी संगठनों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। लखनऊ का लुलु मॉल आज एक बार फिर से चर्चा में आ गया। चर्चा की वजह फिर मॉल में नमाज बनी है। दरअसल लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो में एक महिला लुलु मॉल में नमाज पढ़ती नजर आ रही है। बता दें कि बीते दिनों नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद के बाद ये मॉल चर्चा में आया था। तब मॉल में नमाज पढ़ने के मामले ने तूल पकड़ा तो हिंदूवादी संगठनों ने मॉल में हनुमान चालीसा तक पढ़ दी थी, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला शांत कराने की कोशिश की थी, लेकिन एक बार फिर से इस तरह की घटना से माहौल बिगड़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लालबाग राजा पंडाल में पूजा अर्चना की। भगवान गणेश की पूजा अर्चना के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी साथ मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने प्रसिद्ध लालबाग के राजा मंदिर में गणपति के दर्शन कर आशीर्वाद लिया, लेकिन इस बीच शाह ने एक बड़ा बयान दिया। शाह ने कहा कि बीजेपी ने कभी भी उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने का वादा नहीं किया था। बीजेपी जो कहती है सीना तान कर कहती है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनने के बाद अमित शाह का ये पहला मुंबई दौरा है। माना जा रहा है कि अमित शाह आने वाले बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को सत्ता से उखाड़ फेंकने की बिसात भी बिछाकर दिल्ली लौटेंगे। और हम बात झारखंड की करते हैं। झारखंड में आए दिन सियासत में कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। आज सोरेन सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। इस दौरान सोरेन ने बीजेपी के ऊपर करारा वार भी किया। झारखंड विधानसभा में जारी सियासी संकट के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। ऐसे में अब प्रदेश में उनकी सरकार बनी रहेगी। सरकार के पक्ष में 48 वोट पड़े हैं। वहीं बीजेपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। साथ ही विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई। हमने तो बाजार में कपड़ों को खरीद के सुना हुआ है, राशन को खरीद के सुना, सब्जी तरकारी को खरीद के सुना, लेकिन विधायक खरीद फरोख्त की बात यही भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आती रही है। बता दें कि सोरेन पर सीएम रहते हुए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के एक मामले को लेकर विधायक के जाने का खतरा मंडरा रहा है, तो दूसरी तरफ सोरेन को डर है कि कहीं बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस को अंजाम दे दिया तो विधायक के साथ साथ सरकार भी चली जाएगी। इसीलिए केजरीवाल की तरह सदन में विश्वास मत हासिल कर अगले 6 महीने के लिए अपनी सरकार को सुरक्षित कर लिया है। दिल्ली में शराब कांड के आरोपी कास्टिंग कर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर अब पूरी तरीके से हमलावर है। सिसोदिया से इस्तीफे की मांग कर रही है, जबकि सिसोदिया स्टिंग को मजाक बता रहे हैं। दिल्ली में शराब कांड के सियासी दंगल में स्टिंग ने सनसनी मचा दी है। शराब कांड के एक आरोपी सनी मारवाहा के पिता कुलविंदर का बीजेपी ने स्टिंग किया और अब उसी स्टिंग के बिना पर आप पर हमलावर है। तो आज वही हुआ है, एक स्टिंग हो गया है जो अब पब्लिक डोमेन में है। स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है। बीजेपी ने स्टिंग के हवाले से दावा किया कि ठेकेदारों और केजरीवाल सिसोदिया के मित्रों को 80% प्रॉफिट मिलता था, राजस्व को केवल 10% मिला, लेकिन मनीष सिसोदिया अब इस स्टिंग को मजाक बता रहे हैं। अब जब सीबीआई से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कि जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। मजाक है, ऐसे स्टिंग मेरे पास भी है, मैं भी दे दूंगा कल बहुत सारे, फिर आप उसको भी चलाना। इस बीच सिसोदिया ने 2 दिन पहले एक सीबीआई अधिकारी की आत्महत्या को लेकर बड़ा बयान दिया। सिसोदिया ने कहा कि अधिकारी पर मेरे ऊपर फर्जी एफआईआर का दबाव था, इसीलिए उसने खुदकुशी की।
जबकि कहा है कि आत्महत्या करने वाले अधिकारी का इस केस से कोई लेना देना नहीं था। पाकिस्तान में बैठे देश के दुश्मनों ने अर्शदीप सिंह के खिलाफ नफरत भरे ट्वीट कर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को बदनाम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान का ये नफरती प्लान पूरी तरीके से अब बेनकाब हो चुका है। इंडिया पाकिस्तान मैच में अर्शदीप सिंह से आसिफ अली का कैच क्या छूटा, पाकिस्तान ने साजिशों का चक्रव्यूह रच दिया। अर्शदीप सिंह को ट्रोल किया गया, कुछ अकाउंट से उनके खिलाफ देश विरोधी शब्दों का इस्तेमाल किया गया। मैच के बाद देखते ही देखते सोशल मीडिया पर उनके नाम के साथ खालिस्तानी ट्रेंड होने लगा। नापाक खेल का पर्दाफाश, फेक अकाउंट से अर्शदीप की ट्रोलिंग, पाकिस्तान के वेरिफाइड हैंडल से ट्वीट, फेक अकाउंट्स के ट्वीट को बार बार रीट्वीट किया, प्रोपेगेंडा करके खालिस्तानी शब्द को ट्रेंड कराया। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि अर्शदीप सिंह के नाम से खालिस्तानी ट्रेंड कराने के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। कुछ पाकिस्तान फैंस ने जीत के बाद अर्शदीप सिंह को आसिफ अली का कैच छोड़ने के लिए बधाई दी और लिखा कि खालिस्तानी भाई ने जो तोहफा दिया उसके लिए धन्यवाद। ISI और सिख फॉर जस्टिस की साजिश का खुलासा हो गया है, 80% प्रोपेगेंडा ट्वीट कराए गए। पाकिस्तान की ISPR की तरफ से अर्शदीप को खालिस्तानी बताने की साजिश रची गई। खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान से सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल से खालिस्तानी वाले ट्वीट किए गए, वहीं अर्शदीप के विकिपीडिया पेज से भी छेड़छाड़ की गई। जानकारी मिली है कि पाकिस्तान के मुरी शहर से विकिपीडिया पेज से छेड़छाड़ हुई है। फिलहाल पाकिस्तान की इस साजिश का जवाब हिंदुस्तान की जनता दे रही है। टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की रविवार को मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर एक सड़क दुर्घटना में मौत की खबर सामने आई, लेकिन अब इस दुर्घटना से महज 9 मिनट पहले का एक वीडियो सामने आ चुका है जिसमें इस कार की रफ्तार करीब 130 किलोमीटर से ऊपर बताई जा रही है। साइरस मिस्त्री की मौत से 9 मिनट पहले का वीडियो जी हिंदुस्तान के हाथ लगा है। जिस लग्जरी कार में मिस्त्री और उनके दोस्त थे वो करीब 134 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। कार ने रविवार दोपहर 2:21 पर चरौती का चेक पोस्ट क्रॉस किया था। यहाँ से हादसे की जगह 20 किलोमीटर दूर है। मर्सिडीज कार ने ये दूरी महज 9 मिनट में तय कर ली। मैं उधर पहुंचा तब गाड़ी ब्रिज को टक्कर मार रही थी और तभी मैं मेरे गाड़ी से उतर के वो मर्सिडीज का दरवाजा खींच के निकाला। तब तक उसमें 4 लोग पड़े थे और लेडी ड्राइव कर रही थी गाड़ी। उसमें 4 लोग सवार थे, उसमें से 2 लोग स्पॉट पे ही गुड घोषित किए गए और बाकी के जो 2 लोग थे वो जख्मी है, उनको रेनबो हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। जांच में पता चला है कि पीछे की सीट पर बैठे साइरस और जहांगीर ने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ था और जिसके चलते पीछे वाली सीट का एयरबैग खुल नहीं पाया। लेकिन एयरबैग सिर्फ इसलिए नहीं खुला क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया था और आगे का सीट बेल्ट लगा हुआ था। साथ ही इम्पैक्ट होने के बाद आगे के दोनों एयरबैग, अब देखिए जो ड्राइवर के साइड का है और जो ड्राइवर की सीट के बगल वाली सीट है, मर्सिडीज कार की सिर्फ 2 एयरबैग खुलती हैं जिसकी वजह से 2 लोगों की जान बचती है। हालांकि उनकी स्थिति क्रिटिकल है, उनका इलाज चल रहा है। देश के बड़े उद्योगपतियों में शामिल साइरस मिस्त्री और उनके दोस्त जहांगीर पंडोल की इस हादसे में मौत हो जाती। बता दें कि घटनास्थल पर CCTV कैमरा नहीं था और न ही उनकी कार में कोई कैमरा था। सड़क की स्थिति भी अच्छी थी। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का रविवार दोपहर मुंबई अहमदाबाद NH पर सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। साइरस और जहांगीर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के सिर पर गंभीर चोट आने से उनकी मौत हो गई। फिलहाल महाराष्ट्र की सरकार ने साइरस मिस्त्री की मौत की जांच के आदेश दे दिए। और अब बात नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे की करते हैं। सुशासन बाबू 2024 की रणनीति बनाने में पूरी तरीके से जुट चुके हैं और इसी क्रम में नीतीश कुमार अगले 3 दिन तक दिल्ली में ही रहने वाले हैं और इस दौरान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राहुल गांधी, शरद पवार और अन्य विपक्षी नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन खिचड़ी क्या पकाएंगे, इसे समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। पटना में PM पद की उम्मीदवारी का पोस्टर सजाकर सुशासन बाबू दिल्ली में सियासी बिसात बिछाने पहुंचे तो इस पर देश भर की सियासी पार्टियों की नजरें टिकी थीं। लेकिन दिल्ली में अपनी पहली ही मुलाकात में नीतीश के बयान ने सियासी गलियारे को चौंका दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से नीतीश की मुलाकात घंटे भर चली और खबर बाहर आई तो उसमें नीतीश का चौंकाने वाला बयान था। सवाल यह है कि क्या दिल्ली पहुंचते ही नीतीश भाप गए कि उनका PM पत्ता कट चुका है या फिर वो पटना में लालू से मिले सियासी मंत्र पर कोई नया दांव चल रहे हैं।
नीतीश ने 3 दिनों के लिए दिल्ली में डेरा डाला है। इस दौरान वो केजरीवाल से लेकर विपक्षी पार्टियों के दूसरे बड़े चेहरों से मुलाकात करेंगे। लालू से सलाह लेकर नीतीश दिल्ली में सियासी धमाके के इरादे से पहुंचे, तो उधर झारखंड में लालू को सजा सुनाने वाले जज की जबरदस्त प्रेम कहानी सामने आई है, जो रिटायरमेंट की उम्र में परवान चढ़कर शादी तक जा पहुंचे। चारा घोटाले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को सजा सुनाने वाले कड़क मिजाज के जज शिवपाल सिंह रिटायरमेंट से पहले दिल लगा बैठेंगे, इसका ख्याल भी किसी को नहीं था। लेकिन झारखंड के गोड्डा में अंदर खाने परवान चढ़ी ये दिलचस्प प्रेम कहानी अब शादी के बंधन में बंध गई। 59 साल के जज शिवपाल सिंह ने अपने से 9 साल छोटी नूतन तिवारी से विवाह रचा लिया, जो बीजेपी के नेता और गोड्डा बार एसोसिएशन की वरिष्ठ वकील है। शिवपाल सिंह पिछले 3 साल से गोड्डा कोर्ट में जज हैं, लेकिन नूतन तिवारी और उनके बीच प्यार कब परवान चढ़ा, इसकी भनक ना तो उनके साथी जजेस को हुई, ना ही वकीलों को। नजदीकी सूत्रों के मुताबिक शिवपाल सिंह की पत्नी का निधन तकरीबन 2 दशक पहले हो गया, वहीं नूतन तिवारी के पति भी कुछ साल पहले गुजर गए थे। ऐसे में दोनों की नजदीकियां शादी की शक्ल देने के लिए उनके परिवारों ने खुशी खुशी सहमति जता दी। रिटायरमेंट की उम्र में जज शिवपाल की शादी सुर्खियों में है, तो इसी बहाने चारा घोटाले का जिक्र भी लोगों की जुबान पर है। और कोर्ट का वो वाक्या भी जब लालू यादव ने जज शिवपाल सिंह से एक पेशी के दौरान कहा था कि जेल में बहुत ठंड लगती है, तब जब शिवपाल सिंह ने लालू से कहा था कि अगर जेल में ठंड लगती है तो तबला या हारमोनियम बजाएं और तनाव मुक्त रहें। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट अंदाज में, अखंड भारत की कुछ वो बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं जिसे जानना और समझना आपके लिए जरूरी है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मानवता को शर्मसार कर देने वाला वीडियो आया सामने। बुजुर्ग महिला की 2.5 बीघा जमीन हथियाने के लिए रिश्तेदारों ने उसकी मौत के बाद कागजात पर अंगूठा लगवाया। अयोध्या में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश, गंगा किनारे चिकन मटन बनाने का वीडियो वायरल, संत समाज ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए अनोखी पहल, गंगा का जलस्तर कम होने के बाद गांव और शहर में बाइक से घर घर पहुंच रही है डॉक्टर्स की टीम। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक बार फिर से शर्मसार हुई खाकी होमगार्ड और सिपाही आपस में ही भिड़े, दबंग सिपाही ने होमगार्ड के साथ जमकर मारपीट की, वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के जालौन में शिक्षक पर नाबालिग छात्रा से जबरदस्ती दुष्कर्म करने के प्रयास का आरोप, परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बच्चा चोरी की अफवाह में 2 लोगों की भीड़ ने जमकर पिटाई की, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, पुलिस की लोगों से अफवाह न फैलाने की अपील। बाराबंकी जिला कारागार में 26 कैदी HIV पॉजिटिव पाए गए, जेल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा, कैंप लगाकर जांच की गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आरोपी पुलिस कर्मियों को किया गया लाइन हाजिर, मकान खाली कराने के दौरान हुए हंगामे के बाद 3 डिग्री देने का आरोप। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश जख्मी, पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में महिला के साथ लूट की लाइव वारदात, लुटेरों ने घर के पास महिला की चैन लूटी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पड़ोसियों के बीच विवाद में जमकर चले लाठी डंडे और चप्पलें, पुलिस जांच में जुटी, मारपीट का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में मोबाइल चोर को ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझ लिया, लात घूसे लाठी डंडों से पिटाई की, वीडियो वायरल। और चलिए अखंड भारत में मिलते हैं आपसे एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सरयू में चिकन पार्टी, मुर्गा टीचर बदनाम, हार्ट अटैक में गए थे प्राण, घूसे ने बचा दी जान। ब्रेक के बाद भी जी हिंदुस्तान पर जारी है अखंड भारत। अखंड भारत में अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या के मंदिरों को टैक्स मुक्त करने की इस वक्त तैयारी चल रही है, सीएम योगी के बाद टैक्स मुक्त करने की तैयारी यहां पर है। आपको बताएं इस वक्त की बड़ी खबर, अयोध्या के जो तमाम मंदिर हैं उन्हें कैसे टैक्स मुक्त किया जाए, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं, और इसी को लेकर बताया जा रहा है कि कई बैठक भी यहां पर हो रही है। मंदिरों की लिस्ट इस वक्त तैयार की जा रही है, मंथन इस पर किया जा रहा है, खुद इसको लेकर मॉनिटरिंग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तमाम मंदिरों की लिस्ट बनाई जा रही है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी, और उसके बाद देखिए तैयारी अब तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। अयोध्या जिसको लेकर पहले भी देखिए, चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अयोध्या को
कैसे टूरिज्म के तौर पर भी आगे डेवलप करने का प्लान हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिला है और इसी कवायद में अब अयोध्या के तमाम मंदिरों को टैक्स मुक्त करने की तैयारी। और चलिए आगे बढ़े, फटाफट अंदाज में देखिए अखंड भारत की कुछ और बड़ी खबरें। मिशन 2024 के तहत नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक की मुलाकात चली। विपक्षी एकता को मजबूत करने पर चर्चा हुई। दिल्ली दौरे के बाद नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा पीएम बनने की कोई इच्छा नहीं, पूरा विपक्ष अगर एकजुट हो तो बेहतर। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव का बड़ा बयान, कहा 2024 के चुनाव में सत्ता मिली तो पूरे देश में किसानों को देंगे मुफ्त बिजली। गृहमंत्री अमित शाह का उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला, कहा उद्धव ने बीजेपी को धोखा दिया, उद्धव को सबक सिखाने की जरूरत, उद्धव से नहीं किया था सीएम का वादा। अमित शाह ने कहा उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब की विचारधारा से गद्दारी की, महाराष्ट्र को लूटने के साथ जनादेश के अपमान का भी आरोप लगाया। बीएमसी चुनाव के लिए फडणवीस के घर सांसदों विधायकों के साथ मंथन, अमित शाह ने कहा मोदी जी के मार्गदर्शन में 150 सीट जीतने का लक्ष्य हो। दिल्ली में आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ाई गई, सूत्रों के मुताबिक आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को सौंपा गया। गुजरात में राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला, किसानों का हक छीनने का आरोप लगाया, कहा कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का 3 लाख तक कर्ज माफ करेंगे। आगामी चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने गुजरात के किसानों को मुफ्त बिजली का भी वादा किया, कहा आम उपभोक्ता को भी 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। झारखंड में हेमंत सरकार ने हासिल किया विश्वास मत, सोरेन सरकार के समर्थन में 48 वोट पड़े, वोटिंग के दौरान बीजेपी ने वॉकआउट किया। बीजेपी पर मनीष सिसोदिया का पलटवार, सिसोदिया ने बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन को फर्जी करार दिया, कहा यह स्टिंग ऑपरेशन नहीं मजाक है। बीजेपी पर मनीष सिसोदिया का बड़ा आरोप, सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया, दबाव में सीबीआई अधिकारी कर रहे हैं सुसाइड। सीबीआई ने सिसोदिया के आरोपों को खारिज किया, कहा सुसाइड करने वाले अधिकारी जांच से जुड़े हुए नहीं थे, सिसोदिया का बयान भ्रामक। केजरीवाल सरकार पर बीजेपी का बहुत बड़ा हमला, संबित पात्रा ने जारी किया स्टिंग ऑपरेशन, कहा स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया। बीजेपी ने कहा शराब नीति से केजरीवाल के दोस्तों को 80% फायदा, केजरीवाल ने दोस्तों को पहुंचाया फायदा। आम आदमी पार्टी के नेताओं को एलजी ने कानूनी नोटिस भेजा, आप नेताओं ने घोटाले का लगाया था आरोप। लखनऊ के लुलू मॉल में फिर से पढ़ी गई नमाज, एक महिला की नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सेंट्रल विस्टा की पहली झलक, विजय चौक से इंडिया गेट तक दिखा नया कलेवर, 8 सितंबर को पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे, 9 सितंबर से जनता के लिए खुल जाएगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में रूसी दूतावास के पास बड़ा धमाका, 2 रशियन डिप्लोमेट सहित 20 की मौत। ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी लिज ट्रस, भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हराया, लिज ट्रस को 81,000 से ज्यादा वोट मिले। और अब अखंड भारत में खबरों का दूसरा डोज, बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक डॉक्टर ने हार्ट अटैक के मरीज की जान बचा ली। धरती पर इंसान डॉक्टर की तुलना भगवान से करते हैं, हम आपसे ऐसा क्यों कह रहे हैं अब आपको समझाते हैं। दरअसल इस वीडियो को ध्यान से देखिए, महाराष्ट्र के कोल्हापुर से इसका जीता जागता उदाहरण सामने आया है। एक मरीज डॉक्टर के क्लिनिक में बैठकर उसके सामने बात कर रहा था कि तभी मरीज को अचानक से ही दिल का दौरा पड़ने लगता है। डॉक्टर की नज़र जैसे ही मरीज पर पड़ती है वो तुरंत अपनी कुर्सी से उठता है और मरीज के पास पहुंच जाता है। इसके बाद मरीज के सीने पर पंप करने में जुट जाता है, थोड़ी देर के बाद मरीज को आराम मिलता है। ये वीडियो एक वास्तविक जीवन के नायक का उदाहरण दिखाता है। कोल्हापुर के सबसे अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर अर्जुन अदनायक ने एक मरीज की जान बचाई। और अब उत्तर प्रदेश से भी एक बहुत हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक महिला 142 साल के बाद अपने पूर्वजों को खोजने के लिए पहुंच गए। ये महिला 142 साल के बाद अपनी जड़ों को खोजने के लिए वेस्ट इंडीज से जौनपुर पहुंची। बात हैरान करने वाली है लेकिन सच यही है। जौनपुर के बारे गांव में ये महिला अपने पूर्वजों को खोजने के लिए आई थी। महिला के अनुसार सन 1880 में अंग्रेज इनके परदादा रहे विश्वनाथ यादव को अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले गए थे। भले ही इस महिला को अपने पूर्वजों के निशान खोजने में सफलता नहीं मिली लेकिन सात समंदर पार से यहां तक आने वाली इस महिला को देखकर गांव में हर कोई हैरान और खुश था। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का काम लगातार जारी है। बरेली में ऐसे ही मदरसों में जी हिंदुस्तान की टीम पहुंची, रिपोर्ट देखिए।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के निर्देश के बाद गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का काम जारी है। बरेली में जी हिंदुस्तान के संवाददाता ने कई मदरसों का जायजा लिया। हमारे संवाददाता ने वहां पढ़ने वाले छात्रों से बात की। मौलानाओं का दावा था कि उनके मदरसे में दीनी शिक्षा के साथ अन्य विषयों की भी पढ़ाई होती है, लेकिन छात्रों के जवाब कुछ और ही बयां कर रहे हैं। आपके डीएम का क्या नाम है बरेली के? आपके मुख्यमंत्री का क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। अच्छा, और आपके प्रधानमंत्री का क्या नाम है? इन जवाबों से आप ही अंदाजा लगाइए इन छात्रों को दुनिया की कितनी जानकारी है। लेकिन मदरसों में उलेमाओं ने योगी सरकार के इस कदम की तारीफ की है। गवर्नमेंट का किस प्रकार का सर्वे है अब इसका तो इसका ओपन तो नहीं है मामला, और अगर वो शिक्षा को बढ़ोतरी देना चाहते हैं सर्वे के जरिए से तो बहुत अच्छा कदम होगा। मस्जिदों पर सर्वे जल्द ही खत्म हो जाएगा। इस सर्वेक्षण से कई ऐसी जानकारी सामने आने की उम्मीद है जो अब तक सरकार के पास नहीं थी। और अब खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां अवैध खनन माफिया की तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस सवालों के घेरे में है। तो मध्य प्रदेश में कांस्टेबल को थप्पड़ मारने वाली महिला सलाखों के पीछे भिड़ती गई। उत्तर प्रदेश में बेखौफ खनन माफिया के हौसले कितने बुलंद हैं, ये इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। आगरा में टोल पर बिना रुके एक दो नहीं 13 ट्रैक्टर गुजरे और किसी की हिम्मत इनके रास्ते में आने की नहीं हुई। एक के बाद एक ट्रैक्टर पूरी रफ्तार से बिना टोल दिए गुजरते हैं, जिनकी तस्वीरें यहां लगे कैमरे में कैद हो जाती। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अब कार्रवाई की बात कह रही है। कुछ लोगों ने हाइड्रोलिक सिस्टम से ट्राली यूज करते हैं और एकाएक वहाँ से निकाले हैं टोल प्लाजा से, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। अब उसमें से कुछ पकड़े भी गए आज सुबह, उस पर FIR दर्ज हो रही है। जो उस दिन की घटना थी उस पर भी 307 का FIR पंजीकृत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद अब खबर मध्य प्रदेश के बिलासपुर की, जहां कांस्टेबल को थप्पड़ मारने वाली महिला और उसके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आरोपी जब शहर में घुस रहा था, जिस पर पुलिस ने उसे रोका तो आरोपी ने अपनी बहन को मौके पर बुला लिया, जिसके बाद महिला ने कांस्टेबल को थप्पड़ जड़ दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी महिला और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। और बिहार झारखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश के बागपत के स्कूल से सामने आई शरिया वाली साजिश। जी हाँ, रविवार की जगह शुक्रवार के दिन स्कूल में यहाँ पर छुट्टी दी जाती है। रिपोर्ट देखिए। यह है उत्तर प्रदेश के बागपत का एक प्राइवेट स्कूल, जो अचानक से ही विवादों में आ गया है, क्योंकि इस स्कूल में मजहब के हिसाब से बच्चों को छुट्टी दी जा रही है। देश में स्कूलों में रविवार के दिन छुट्टी होती है, लेकिन बागपत के स्कूल में रविवार को नहीं बल्कि जुम्मे के दिन यानी कि शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है। इस स्कूल में मुस्लिम बच्चों की तादाद ज्यादा है और इसीलिए मजहबी तरीके से जुम्मे के दिन स्कूल में छुट्टी दी जा रही है। यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक की दलील है कि मुस्लिम समुदाय के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, इसीलिए शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है और रविवार को स्कूल खोला जाता है। संडे के दिन माइनॉरिटी के कारण जो है हमारा फ्राइडे में हमें बीच में छोड़ना पड़ता है, इसलिए हमने संडे ले रखा जुमे की वजह से माइनॉरिटी के बच्चे हैं टोटल। इससे पहले बिहार और झारखंड के भी कई स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी देने का मामला सामने आया और यूपी के बागपत के एक स्कूल में शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश देने के मामले ने भी अब तूल पकड़ लिया है। राम की नगरी अयोध्या में एक हफ्ते में दूसरी बार सरयू किनारे चिकन पकाने की घटना से संतों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। संत इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अयोध्या में सरयू किनारे चिकन पकाने पर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया। इससे पहले भी 31 अगस्त को घाट पर मांस पकाते हुए एक महिला को स्थानीय संतों ने पकड़ लिया था और सूचना पुलिस को दी थी। अब एक हफ्ते के अंदर ऐसी दूसरी घटना होने के बाद संतों में नाराजगी है। चिकन पार्टी किया गया, जिसने किया वो महा अपराधी है और ऐसे अपराधी को तुरंत दंड देना चाहिए। इस मामले में बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि लोगों को धर्म का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान। क्योंकि लोग धर्म का सम्मान करें, क्योंकि धर्म सबका एक बराबर होता है, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन क्या कदम उठाता है।
शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता 46 शिक्षकों से मुलाकात की। इस मौके पर एक तरफ जहां शिक्षकों ने अपने अनुभव साझा किए, तो प्रधानमंत्री ने 2047 के भारत का मंत्र भी दे दिया। शिक्षक दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने आज उन गुरुओं से मुलाकात की जिन्होंने हार न मानते हुए अपनी अलग पहचान बनाई है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि 2047 में देश गढ़ने का काम हमारे शिक्षकों पर है। कितना ही बच्चा पढ़ने में लिखने में पूर्व, अरे करो बेटे हो जाएगा, अरे देखो बेटे करो, देखो देखो उसने किया तुम भी करो हो जाएगा। यानी आप देखिए उसको पता भी नहीं है, लेकिन टीचर के गुणों में होता है, वो हर बार पॉजिटिव ही बोलेगा। पीएम ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता 46 शिक्षकों के साथ बातचीत की और उनके अनुभव जाने। अब हम आपको एक ऐसा स्कूल दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मध्य प्रदेश के मंडला में स्कूल अपने आप में खास है। यहाँ पढ़ाई के लिए क्लास तक जाने की जरूरत नहीं, दरवाजे से अंदर आते ही आप इसका राज समझ जाएंगे। शिक्षक प्रियदर्शन पटेल की इस अनोखी पहल के नतीजे भी शानदार हैं। खेल खेल में गतिविधि करके, और जैसे पेड़ पौधे पढ़ाना है तो बच्चे को पेड़ पौधे पर्यावरण के बारे में जागरूक करना है, पेड़ पौधे दिखाना है, इस टाइप की पढ़ाई लिखाई हमने बच्चों को करवाते हैं। अब कहानी एक जुनून की जिसने हजारों नौजवानों की जिंदगी बदल दी। एमपी के आगर में ओंकार यादव 13 सालों से युवाओं को सेना में जाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अब ओंकार लड़कियों को भी इसके लिए तैयार कर रहे हैं। हम अपनी पुस्तक पढ़ते हैं और हमारे सर बहुत अच्छे हैं, हम अपने पेड़ पौधे भी लगाए हैं। एक शिक्षक कैसे समाज को बदल सकता है, ओंकार इसके जीते जागते उदाहरण है। जरूरत है बस ऐसे शिक्षकों की मदद और हौसला बढ़ाने की। एक तरफ आप देखिए शिक्षक दिवस पर जगह जगह कई सारी ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक शिक्षक को 20 सड़क पर मुर्गा बनाने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। 20 सड़क पर एक शख्स को मुर्गा बनाकर उठक बैठक करवाया जा रहा है। सड़क पर मजमा जुटा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो बिहार के सिवान का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिस शख्स को 20 सड़क पर मुर्गा बनाया गया वो एक कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ाता है। आरोप है कि शिक्षक ने कोचिंग में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ छेड़खानी की थी और जिसके बाद छात्रा के परिजनों ने शिक्षक को रास्ते में ही रोककर सबक सिखा दिया। शिक्षक महाराजगंज थाना क्षेत्र के गौर गांव का निवासी बताया जा रहा है। जानकारी मिली है कि आरोपी शिक्षक ने कोचिंग में पढ़ने वाली छात्रा से पहले प्यार का इजहार किया था, लेकिन जब छात्रा ने विरोध जताया तो शिक्षक ने छात्रा के साथ बदसलूकी की और जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने शिक्षक को घेर लिया और फिर जो हुआ उसकी तस्वीरें आपके सामने है। फिलहाल वायरल हो रहे इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं कर रहे। और चलिए अखंड भारत में आज का इतिहास आपको बताते हैं क्यों खास है। 5 सितंबर का दिन 1888 में आज ही के दिन देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। भारत में 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1962 में इस दिन को भारत में शिक्षक दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया। उन्हीं के सम्मान में इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन को भारत सरकार ने सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा था। चांद पर कदम रखने वाले दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग का आज ही के दिन जन्म हुआ था 1890 में। नील एल्डन आर्मस्ट्रांग एक अमेरिकी खगोल यात्री और चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। इसके अलावा वे एक एयरस्पेस इंजीनियर, नौसेना अधिकारी, परीक्षण पायलट और प्रोफेसर भी थे। खगोल यात्री बनने से पूर्व वे नौसेना में थे। नौसेना में रहते हुए उन्होंने कोरिया युद्ध में भी हिस्सा लिया। और 10 अप्रैल 1912 में समुद्र में डूबे टाइटैनिक जहाज का मलबा पहली बार घटना के 73 साल के बाद 1985 में आज ही के दिन सामने आया था। अपने पहले सफर के छठे दिन ही ये जहाज एक भयानक हादसे का शिकार हो गया। अटलांटिक महासागर में स्थित एक विशाल हिमखंड से टकराने के बाद जहाज के 2 टुकड़े हो गए और वो देखते ही देखते जलमग्न हो गया। इस हादसे में 1500 से भी ज्यादा यात्रियों की मौत की खबर उस वक्त सामने आई थी।
और इसी के साथ अखंड भारत में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से तय वक्त यानी कि रात 9:54 पर आपसे होगी मुलाकात। आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान।